हे गाइस, वेलकम बैक टू दीपा के व्यंजन चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी आलू की बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट सब्जी। बनाना काफी आसान है। यदि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना व्यू जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जी को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ सरसों का तेल, करीब 2 बड़े चम्मच। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी इस सब्जी को आप सरसों के तेल में ही बनाएं। अब इसमें डाल दें 1/2 छोटी चम्मच साबुत जीरा, कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। इस सब्जी में मैं चॉप्ड मसालों का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। सबको मिलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर ले, गैस का फ्लेम लो रखें। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। आप इस सब्जी को बिना लहसुन और प्याज के भी बना सकते हैं। प्याज को भी लो फ्लेम पर अच्छी तरह से गुलाबी होने तक फ्राई कर ले। प्याज को भूनते हुए करीब 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे छिला हुआ आलू। आप इसमें बॉयल आलू भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। आलू को भी हमेशा लो फ्लेम पर फ्राई करें। अब इसे फ्राई करते दौरान ही इसमें नमक डाल दें स्वाद अनुसार। याद रखें, हरे पत्तेदार सब्जियों में नमक की क्वांटिटी थोड़ा कम रखें। जैसे ही आलू फ्राई हो जाए, अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर यूज़ कर रही हूँ। मैंने 250 ग्राम मेथी के लिए करीब 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का यूज़ किया है। जैसे ही आलू और टमाटर भुन जाए, अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच और हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच से भी कम। मसालों को लो फ्लेम पर थोड़ी देर फ्राई कर लें। जैसे मसालों से खुशबू आने लगे, अब इसमें डाल दें बारीक कटा हुआ मेथी पत्ता। मेथी के पत्तों को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें, गैस का फ्लेम लो रखें। अब इसे लो फ्लेम पर ढककर कुक करें। बीच बीच में आप ढक्कन हटाकर इसे चेक कर लें। अब सब्जी में आप डाल दें 1/2 कटोरी के करीब में गर्म पानी, इससे मेथी के पत्ते नरम हो जाएंगे। मिला दें सबको अच्छी तरह से। वापस से कवर लगाएं और इसे लो फ्लेम पर कुछ देर कुक होने दें। बीच बीच में हम चेक कर लेंगे। मेथी की ये सब्जी बनकर तैयार है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। मेथी की इस सब्जी को आप मक्के की रोटी या फिर गेहूं की रोटी के साथ इंजॉय करें। ये देखने में जितना टेम्पटिंग है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। यदि आप लोग को मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है आप लोग को मिलता रहे। मिलती हूँ एक और स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।